जींद उपचुनाव में आज नतीजों के इंतजार की रात है, लेकिन जानते हैं उन लोगों से कि आखिरकार जिन लोगों ने तमाम मेहनत की चुनाव में, और आखिरकार किस तरह की एक्सपेक्टेशंस के साथ क्या तैयारी कर रहे हैं रिजल्ट डे की। दुष्यंत जी हमारे साथ। दुष्यंत जी, क्या तैयारी है रिजल्ट डे की? इलेक्शन तो हो चुका है, अब थोड़ा रिलैक्स भी हो, काफी धूम धड़ाका रहा, जबरदस्त मेहनत की आप लोगों ने, थोड़ा चेहरे पर जो शांत भाव भी नजर आ रहे हैं, रिलैक्स हो आखिरकार नतीजों के इंतजार? बिल्कुल आश्वस्त भी हैं कि जींद जीतेंगे। आज दिग्विजय सिंह जींद गए हैं और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी जिम्मेवारियां लगाने, कल किस प्रकार से काउंटिंग रहेगी, किस प्रकार से स्लिप्स के ऊपर आपके एक एक बूथ के नंबर लिखे जाएंगे, वो सारी चीज़ों की आज जो तमाम 14 के 14 बूथों पर हमारे एजेंट्स बैठेंगे उनको ट्रेन किया जाएगा, और आगे कैसे कल कार्रवाई रहेगी उसको मॉनिटर करने के लिए टीम बनाई जाएगी। जहां सारी ईवीएम रखी है, जहां काउंटिंग होनी है, वहां पता चल रहा है कि आप लोगों ने एक तंबू डाल के रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि फसल पक गई हरियाणा में, उसकी चौकीदारी करनी जरूरी है, उसकी रखवाली करनी जरूरी है। क्या इसको डाउट है, क्या कुछ कुछ हो जाएगा? हरियाणा में तो एक किसान को डर रहता है, जब फसल पक जाती है, पकने वाली होती है, तो खागड़ा के नाश कर जाते हैं, तो उसकी सुरक्षा किसान दिन भर खेत में बैठ के करता है। वही हालात है, आज ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, किसी तरह की कोई और गतिविधि ना उस एरिया में रहे, तो एक प्रिकॉशनरी है। और ये कोई इसी चुनाव के लिए नहीं है, मेरे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, पिछले लगभग 4-5 चुनाव तो मैं मॉनिटर करता हूँ कि इस प्रकार से एक टीम की निरंतर नियुक्ति करी जाती है जो बैठ के इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर करती है। कितने आश्वस्त हैं, कल की तैयारी क्या है? यहाँ तो मुझे बर्फी नजर आ रही है, लड्डू वड्डू का ऑर्डर कर दिया है, पहली जीत होगी, पार्टी का उदय हो रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं उस चीज को लेकर, तो तैयारी किस तरह से अभी नजर नहीं आ रही है दिल्ली कोठी पे? दिल्ली कोठी तो आप कल शाम के बाद लोग आएंगे, पहले तो सारे के सारे साथी जींद पहुंचेंगे, और आप बेफिक्र रहिए, पूरी ग्रैंड सेलिब्रेशन करी जाएगी और एक ऐसी मजबूत नींव रखी जाएगी जो मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन ही नहीं, हरियाणा के आने वाले भविष्य की आगे एक नया चैप्टर लिखने का काम करेगी, और चैप्टर परिवर्तन का होगा, विकास का होगा। अगर नतीजे आपके विपरीत आते हैं तो? देखिए, मैं तो जितना मैंने तमाम सोर्सेस से, तमाम हमारे जो बूथ के ऊपर 10 युवा साथी बैठे थे उनसे रिपोर्ट ली है, मैं तो पूरी तौर पर आश्वस्त हूँ कि 5,000 और 7,000 वोटों के बीच में हमारी जीत होगी। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, कितना असर उनका रहा और आगे की क्या राजनीति उनके साथ है? क्या गठबंधन फाइनली एक मोहर लग जाएगी इस चुनाव के नतीजों के साथ? देखिए, अभी जिस फेस में ये बाई इलेक्शन था, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी पूरी टीम ने हमारा सहयोग भी किया और मजबूती के साथ खड़े भी हुए। और जहां आने वाले भविष्य की बात है, एक बार ये नतीजा आने दीजिए। हमारे संगठन का विस्तार चल रहा है, वो फरवरी के महीने में हम पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और साथ के साथ आगे जो कार्रवाई रहेगी वो नेशनल एग्जीक्यूटिव जब कंप्लीट हो जाएगी उसके ऊपर निर्णय छोड़ेंगे कि वो क्या निर्णय लेती है। विचार तो मिल चुके हैं ना, जिस तरह से खुले दिल से उन लोगों ने अपना कदम बढ़ाया आप लोगों की तरफ, अब तो कुछ ऐसा बात है नहीं कि भाई साथ साथ चुनाव में क्यों ना जाएं आप दोनों? नहीं, हम तो पहले भी कहते थे अरविंद जी ने जो काम दिल्ली के अंदर किया है वो स्वच्छ है, अच्छा है, काम करा है, चाहे स्कूल्स का हो, हॉस्पिटल्स का हो, जो करप्शन थी पीडब्ल्यूडी में उसको रोकने का काम किया था। ये चेंजेस हरियाणा को भी जरूरत है, और बिल्कुल जब दो लाइक माइंडेड लोग साथ आते हैं तो परिवर्तन की नींव रखी जाती है। परिवर्तन की नींव रखी जाती है, और इसी आश्वासन के साथ दुष्यंत चौटाला हमसे साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको जश्न भी नजर आएगा, नतीजों का जो इंतजार है दर्शकों को भी है और तमाम हरियाणा के लोगों को भी है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि इनकी तरफ से पूरा जो मेहनत की गई थी वो सफल होगी, और अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव लेकर ये काफी अच्छी तरह से कह रहे हैं कि तैयारी आप कल देखने आइएगा। विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली।